पवन सिंह को कल रात में टिकट का अनाउंसमेंट करते हैं मिलता है और बड़ी खुशी का लहर उनके टीम में दौड़ता है और मिठाई का भी वितरण किया जाता है, लेकिन अगले दिन सुबह ही जो है पवन सिंह टिकट वापस कर देते हैं और मैसेज करते हैं। विकास विद्यार्थी जी हमारे साथ मौजूद है और तमाम मुद्दों का खुलासा करेंगे कि आखिर पवन सिंह जो है टिकट वापस क्यों कर दिए। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मौका दिया बोलने के लिए। क्या वजह रही होगी कि पवन सिंह ने जो है टिकट वापस कर दिया? और आपसे पूछने का सबसे बड़ा मंशा यही होता है कि पवन सिंह की बहुत ही गहराइयों तक की जो है राज को खोल करके रख देते हैं सोशल मीडिया पे। नहीं, उतना गहराई नहीं खुलते हैं, जितना जानकारी रहता है उतना बताते हैं, तथ्य जुगाड़ने के प्रयास करते हैं। और अभी मैंने खबर के माध्यम से देखा कि पवन जी का टिकट कट गया है, कटा नहीं है, पवन जी ने टिकट वापस लौटाया है। तो दो परिस्थितियाँ होती है एक टिकट लौटाने का, एक डर और एक भय। डर किससे? डर है कि जमानत जब्त हो जाएगा पवन सिंह का। बिल्कुल, तो कहता है कि पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के शेर कहे जाते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के शेर कहे जाते हैं, वो बंगाल के इंडस्ट्री है, वो बंगाली इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में पैर रखे हैं। तो जमानत जब्त हो जाएगा? जमानत जब्त हो जाता है। अच्छा हुआ मैं इतने सुबुद्धि जागने के लिए जो सलाह लोगों ने दिया उसके लिए सलाहकर्ताओं को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पवन जी का इज्जत आप लोगों ने बचा लिया, चीर हरण होने से आप लोगों ने बचाया। पवन सिंह का? पवन जी का। अच्छा, कल ही रात में जो है इतना जश्न मन रहा था कि मिल गया आसनसोल से टिकट मिल गया पवन। चलिए, टिकट मिल गया उसका जश्न मिला था। पवन जी ने कहा था कि मुझे कहीं ना कहीं से टिकट मिलेगा, टिकट मिल गया और टिकट वापस लौटा दिए। तो कहीं ना कहीं उनकी एक तरफ से जीत हुई है, दूसरे तरफ हार हुई, नहीं तो पूरे बंगाल का अपमान होता मेरे भाई। यानी पूरे बंगाल भर में एक भी भारतीय जनता पार्टी वैसे सहयोग कार्यकर्ता नहीं बनाई जो बंगाल से चुनाव लड़े, आसनसोल से चुनाव लड़े, जहां तक पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। क्या हो सकता पड़ गया कि बिहार का लड़का को आप बंगाल में बलि का बकरा बनाना चाहते हैं? और बंगाल का स्थिति से किसी से छिपा है? नहीं छिपा है। तो पवन जी बहुत चतुर वाला काम किए, पहली बार पूरे इतिहास में, पवन सिंह के इतिहास में पहली बार चतुरता भरी वाला काम पवन सिंह ने किया है, अपना चिरहरण होने से बचाया है। खुद का चिरहरण से बचाने वाले अपने आप में पहला व्यक्ति पवन सिंह है। आगे किस पार्टी से टिकट मिलेगा या फिर लेने वाले होंगे पवन सिंह? अब किस पार्टी से मिलेगा वो तो पार्टी के लोग बताएंगे, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ कि हम टिकट देंगे। टिकट अब किनसे लेना है, किससे संबंध अच्छा रहा लेंगे। कहीं ना कहीं पार्टी से संबंध खराब होने की वजह से तो टिकट वापस नहीं करना पड़ा। पार्टी से संबंध खराब होते तो पार्टी को टिकट थोड़ी ही देती। पार्टी से संबंध अच्छा था कि पार्टी इनका टिकट दी है। कुछ बातें हुई होंगी, कुछ कंडीशनल बातें रखी होंगी, मैं भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कहते थे कि आरा से लड़ेंगे तो विकास करेंगे, तो आरा से टिकट नहीं मिला, इसके वजह से भी हो सकता है कि भाई हम अपने घर में चुनाव लड़ेंगे तो थोड़ा अच्छा रहता, घर से बाहर से चुनाव लड़ेंगे तो जमाना जब्त हो जाएगा। डर है और ये डर बरकरार रहना चाहिए। एक इंटरव्यू के दौरान आपने कहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि पवन सिंह को एक श्राप लग गया है इस चीज का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आठ कलाकारों का निधन हुआ ना उसका श्राप है कि पवन सिंह का टिकट वापस हुआ, लौटा नहीं पड़ी, ये श्राप है, श्राप। आपको तो कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार का सदस्य और इसी परिवार के आठ लोगों के सड़क दुर्घटना में निधन हो जाता है और आपके पास इतना समय नहीं निकलता है कि आप आके उनसे मिले, बात करे, समझे, बूझे, तो कहे के लिए परिवार के सदस्य कहते हो? भाई आप परिवार के सदस्य मत रहो, मत कहो, क्योंकि भोजपुरी के परिवार के सदस्य कहते हो तभी भोजपुरी भाषी लोग तुम्हारा गाना सुनते हैं, नहीं तो तुम्हारा गाना नहीं सुनते। और मैं भोजपुरी भाषी जितने लोग हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों का गाना सुनना बंद कीजिए, ऐसे लोगों का बायकॉट कीजिए जो आपका भोजपुरी कलाकारों का नहीं हो सकता है, वो भोजपुरी का किसी भी हर हाल में नहीं हो सकता है। तमाम लोगों की उम्मीद थी कि आरा से लड़ेंगे, विकास होगा, वहाँ आसनसोल गए, अब आरा में आकर के लड़ेंगे। अब आर के सिंह जो एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, और वैसे व्यक्तियों को टिकट काट देना और एक छुआ पास व्यक्तियों को टिकट दे देना, क्या ये आरा का शोभा देता? एक आईएएस अधिकारी को टिकट काट के एक अंगूठा छाप को टिकट देना, ये आरा के लिए दुर्भाग्य है। यदि आरा के लिए टिकट मिलता है तो आरा का दुर्भाग्य है। बंगाल ने नकारा, आरा ने भी नकारेगा, आप देखते रहिए अभी। अच्छा, आप इस बात से खुश हैं या फिर दुखी हैं? एकदम एकदम खुश है कि हमारे नेतृत्वकर्ता जाहिल नहीं होना चाहिए, गवार नहीं होना चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति होना चाहिए। कि जब मान ली कि हमारा आप नेतृत्वकर्ता है
दस लाख पंद्रह लाख लोगों का आप मुखिया है तो जाहिल मुखिया बनाएंगे? तो मुखिया मजबूत रहे, पढ़ा लिखा, लड़ाऊ जुझाऊ समझने। आज तक जमीन पलात रखा है जी, जब से स्टार बना है उसको क्या पता है कि कौन कहाँ मरता है, कौन कहाँ जीता है, किस हॉस्पिटल में क्या होता है, किस रोड पर होता क्या है, किस डिपार्टमेंट कौन काम होता है, इसको पता है? तो वैसे लोग हमारे सांसद होने चाहिए। एक साथ क्वेश्चन ही पूछा गया था उनको इंटरव्यू के दौरान, उस पर भी थोड़ा सा बात करते हैं। तो क्या उन्होंने साफ कहा कि मैं छुआ पास हूँ, और छुआ वो भी कभी इधर रहता था कभी इधर रहता है, मैट्रिक में जो नहीं होता है सप्लीमेंट्री के क्या कहा जाता है उस पे हम मैट्रिक पास हुए हैं, वो भी परीक्षा कोई और दिया है। तो ऐसे व्यक्ति जब अपने आप को खुद बता दे रहा है कि मैं ये हूँ, तो फिर ऐसे लोगों से प्रणाम, हे देवता, ऐसे लोगों का आप स्वीकार मत कीजिए। अच्छा, जाते जाते एक चीज और पूछना चाहेंगे, इतनी कटाक्ष तरीके से पवन सिंह के लिए आपके जो शब्द निकलते हैं, आखिर क्यों निजी कोई दुश्मनी लग रहा है? कोई निजी दुश्मनी नहीं है, वो हमारा दर्द याद नहीं है, ना हम उनका दर्द याद है, वो ना हम पवन सिंह को जानते हैं ना पवन सिंह हमको जानते हैं, हम एक कलाकार के नाते उनको जानते हैं, बस इतना ही जानते हैं कि भोजपुरी के एक अच्छे सिंगर हैं उसके नाते जानते हैं, भोजपुरी के एक नकारे व्यक्ति हैं इसके नाते उनको जानते हैं। नकारे स्टार कहे जाते हैं, नकारे या बोल रहे हैं उनको? नहीं नहीं, सिंगिंग अच्छा है, सिंगिंग का मैं सैल्यूट करता हूँ, उनका सिंगिंग जो है उनका, उसका मैं बार बार सैल्यूट करता हूँ कि माँ सरस्वती साक्षात उनके गर्दन में वास की है, और इतना अच्छा गाना गाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, कोई जोड़ा नहीं है, लेकिन व्यक्ति अच्छे नहीं है, इसका भी जोड़ा नहीं है। तो टिकट जो कट गया इससे आप खुश भी हैं? बिल्कुल खुश है, एकदम खुशी है हमारे अंदर, बिल्कुल खुशी है, क्यों नहीं खुशी होंगे, क्योंकि हमारे नेतृत्वकर्ता जाहिल गवार नहीं होना चाहिए। यार, इस वीडियो के माध्यम से दर्शक हमारे देख रहे हैं वो क्या सोचते हैं, अपना कमेंट ट्राई में मुझे कमेंट जो है बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, पवन सिंह के टिकट के बारे में क्या सोचते हैं, विकास विद्यार्थी जी के बारे में क्या सोचते हैं, पवन सिंह पावर स्टार शेर कहे जाते हैं और शेर को कैसे डर लग गया, इन सब तमाम मुद्दों पर बात किया मैंने, खुलासा भी किया तमाम चीजों का। इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।